हेलो फ्रेंड्स, मोनोटोर लेकर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पास। तो हमारा पास जो है ये हमारा पीरियोडिक एसिड शिफ्ट, ये हमारा स्ट्रेन है। तो आज हम स्ट्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो जो हमारा पास स्ट्रेन है फ्रेंड्स, बेसिकली पास स्ट्रेन हम किस में यूज़ करते हैं, हम हिस्टोपैथोलॉजी में यूज़ करते हैं टिश्यू को स्ट्रेन करने के लिए। सो फर्स्ट हम पढ़ेंगे पास स्ट्रेन का पर्पज़ क्या होता है। सो फ्रेंड्स, पास स्ट्रेन का जो पर्पज़ है बेसिकली क्या होता है, जो ग्लूकागन होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होता है हमारे, ग्लूकागन जो होता है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है हमारे स्किन में, लीवर में, पैराथायरॉयड ग्लैंड में, एंड हमारे कार्डियक मसल में। ठीक है, तो ग्लूकागन हमारे स्किन में, लीवर में, पैराथायरॉयड ग्लैंड में, कार्डियक मसल में, स्केलेटन में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जो पास स्ट्रेन है, पास स्ट्रेन बेसिकली हम किसको डेमोन्स्ट्रेट के लिए यूज़ करते हैं, पास स्ट्रेन हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन को। बेसमेंट मेम्ब्रेन को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं पास स्ट्रेन। सो अब हम पढ़ेंगे पास स्ट्रेन का प्रिंसिपल। पास स्ट्रेन का प्रिंसिपल क्या कहता है फ्रेंड्स, जो पास स्ट्रेन, जो हमारा पास स्ट्रेन होता है वो बेसिकली हिस्टोकेमिकल रिएक्शन होती है, हिस्टोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, हिस्टोकेमिकल रिएक्शन होता है जिसके अंदर क्या होता है कि पीरियोडिक एसिड होती है, पीरियोडिक एसिड ऑक्सीडाइज कार्बन टू कार्बन बॉन्ड। तो इसमें क्या होता है, पीरियोडिक एसिड ऑक्सीडाइज कार्बन टू कार्बन बॉन्ड फॉर्मिंग एल्डिहाइड्स होते हैं, जो रिएक्ट करते हैं किससे, फंक्शन सल्फेट से। फंक्शन सल्फेट से क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। ठीक है, और ये फॉर्म करते हैं मैजेंटा कलर। ठीक है, मैजेंटा कलर फॉर्म करते हैं। ये था हमारा प्रिंसिपल। सो बेसिकली प्रिंसिपल जो है पास स्ट्रेन का वो ये है, जो हिस्टोकेमिकल रिएक्शन हो रही है, जो हम रिएक्शन करवा रहे हैं पास स्ट्रेन के अंदर, जो हिस्टोकेमिकल रिएक्शन होता है इसके अंदर क्या होता है, पीरियोडिक एसिड ऑक्सीडाइज कार्बन टू कार्बन बॉन्ड फॉर्मिंग एल्डिहाइड्स जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं फंक्शन सल्फेट सल्फोरस एसिड के साथ। ठीक है, और ये प्रोवाइड करते हैं मैजेंटा कलर। एंड देन हम बात करते हैं इसके फिक्सेटिव की। तो जो इसका फिक्सेटिव है, तो कोई भी आप फिक्सेटिव इसमें ले सकते हैं, एनी वेल फिक्स टिश्यू। ठीक है, इसकी टेक्निक की बात करें, टेक्निक में क्या होता है, जो पैराफिन सेक्शन होती है, ठीक है, कट पैराफिन सेक्शन, कितना कट करेंगे, 4 to 5 mm। जब आप 4 to 5 mm पैराफिन सेक्शन को कट करते हैं वो नॉर्मल टिश्यूज के लिए होता है, जब आप किडनी बायोप्सी करते हैं, किडनी बायोप्सी के लिए कितना होता है, 3 mm होता है। ठीक है, सेक्शन की जो कटिंग होती है वो 3 mm होती है। अब हम डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स पास स्ट्रेन का जो प्रोसीजर है, पास स्ट्रेन का जो प्रोसीजर है वो डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट होता है हमारा प्रोसीजर का जो फर्स्ट स्टेप है वो हमारा डीपैराफिनाइज द सेक्शन। डीपैराफिनाइज द सेक्शन, सेक्शन को हम डीपैराफिनाइज करेंगे। ठीक है, जब पैराफिन जो उसमें टिश्यू के अंदर जो पैराफिन्स होते हैं वो जब इंसर्ट हो जाते हैं तो उसको क्या करते हैं, डीपैराफिनाइज कर देते हैं, उसमें से पैराफिन रिमूव किया जाता है। ठीक है, फिर इसको करते हैं रिंस इन डिस्टिल वाटर। ठीक है, फिर इसको क्या करेंगे, वॉश करेंगे, किसके, रिंस करेंगे डिस्टिल वाटर के अंदर। एंड देन हमारा नेक्स्ट स्टेप है ऑक्सीडाइज इन 0.5% पीरियोडिक एसिड। आपने इसको ऑक्सीडाइज कर दिया किसके अंदर, 0.5% पीरियोडिक
एसिड के अंदर। अब हम वॉश करेंगे टैप वाटर के साथ। टैप वाटर के साथ अपने वॉश कर दिया, अब इसको स्ट्रेन करेंगे फ्रेंड्स। इसको स्ट्रेन करेंगे हम शिफ रिएजेंट से, जब तक कि पिंक कलर डेवलप ना हो जाए, ठीक है। जब स्ट्रेन करने के बाद, शिफ रिएजेंट से स्ट्रेन करने के बाद जब पिंक कलर डेवलप हो जाएगा, उसके बाद हम करते हैं काउंटर स्ट्रेन विद हेमेटोजाइलिन, ठीक है। काउंटर स्ट्रेन हमारा कौन सा है? हेमेटोजाइलिन है, ठीक है। अब आपने काउंटर स्ट्रेन कर दिया, अब आप इसको डिहाइड्रेट करेंगे, जितना भी वाटर होगा सब रिमूव हो जाएगा। देन इसको क्लियर करेंगे एंड माउंट करेंगे। तो ये था हमारा प्रोसीजर फ्रेंड्स पास स्ट्रेन का, ठीक है। माउंट करने के बाद क्या होता है कि आप इसको फोकस करते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है। तो आपने जो ये फ्लो चार्ट पढ़ा, ये प्रोसीजर में प्रोसीजर है बेसिकली। प्रोसीजर में आपको थोड़ा सा और थ्योरेटिकली लिखना है, ठीक है। सो जैसा कि मैंने आपको पॉइंट वाइज बताया है कि आपके इस प्रोसीजर में क्या क्या इंक्लूड होते हैं पॉइंट वाइज, ठीक है। तो ये हमारा था फ्लो चार्ट ऑफ पास स्ट्रेन प्रोसीजर। सो फ्रेंड्स, हमने अभी शिफ रिएजेंट का पढ़ा है। शिफ रिएजेंट पेयर किया जाता है लैब के अंदर, हम उसका प्रोसीजर डिस्कस करेंगे। सो जो शिफ रिएजेंट होता है उसका प्रोसीजर क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं फ्रेंड्स कि 100 ml वाटर, बॉयल वाटर, बॉइलिंग डिस्टिल वाटर क्या करते हैं हम कॉनिकल फ्लास्क में लेते हैं, ठीक है। और उसमें क्या करते हैं, क्विकली डिसॉल्व करते हैं 1 gram ऑफ बेसिक फंक्शन, ठीक है। बेसिक फंक्शन 1 gram क्या करते हैं, जो हमारा बॉयल डिस्टिल वाटर होता है उसमें डिसॉल्व करते हैं। एंड देन क्या होता है, इसको हम डिसॉल्व करने के बाद कूल करते हैं 60 degrees Celsius पे और इसको फिल्टर करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जब आप इसको कूल कर देते हैं फिर इसमें आप ऐड करेंगे 1 gram अनहाइड्रस सोडियम मेटासल्फेट, अनहाइड्रस सोडियम मेटासल्फेट आप इसमें ऐड करेंगे जब वो कूल हो जाएगा, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ स्टॉपर ये क्या करेंगे, कीप इन दी डार्क, जैसे डार्क प्लेस होता है ना, आप वहाँ पे इसको 24 से 48 घंटे रख देंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि इसमें जो सॉल्यूशन है, ये जो इसका स्ट्रेन कलर हो जाएगा, ठीक है, स्ट्रेन कलर इसका सॉल्यूशन हो जाता है, क्योंकि जब आपने इसमें बेसिक फंक्शन और इसमें अनहाइड्रस सोडियम मेटा सल्फेट ऐड किया, तो क्या होगा कि जो डार्क प्लेस पे आपने 24 से 48 घंटे रखे हैं तो इसमें रिएक्शन होता है, और रिएक्शन के बाद क्या है, इनका कलर चेंज हो जाता है। तो ये क्या प्रोवाइड करेगा आपको, स्ट्रेन कलर्ड प्रोवाइड करेगा, फिर जब ये स्ट्रेन कलर प्रोवाइड करेगा आपको तो आप इसमें क्या ऐड करेंगे फ्रेंड्स, 300 mg एक्टिवेटेड चारकोल, ठीक है। एक्टिवेटेड चारकोल ऐड करेंगे और इसको क्या करेंगे, शेक करेंगे विग्रेसली, ठीक है, शेक फॉर 1 minute, ठीक है। 1 minute के लिए आप इसको शेक करेंगे। अब आप क्या करेंगे, इसे रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। रेफ्रिजरेटर में रखने के बाद ये क्या होगा, इसका जो कलर होगा, दी फिल्ट्रेट शुड बी कलरलेस, ठीक है। इसका क्या होगा, जो फिल्टरेट होगा ये शुड बी
कलरलेस होगा। इन द केस क्या होता है कि कभी कभी ये पिंक हो जाता है सॉल्यूशन। तो इफ द सॉल्यूशन इज पिंक, देन क्या करेंगे आप, इसको डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, अगर आपका सॉल्यूशन पिंक हो जाता है तो आप उसको डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, फिर अनदर मेथड आप यूज़ करेंगे और क्या करेंगे, उसमें जो रिएजेंट है और फ्यू ड्रॉप्स रिएजेंट है 100 ml फॉर्मलिन 37 जिसमें परसेंट होता है फॉर्मल्डिहाइड होता है, वो सॉल्यूशन को आप अनदर मेथड से फाइंड करेंगे। ठीक है, सो फ्रेंड्स क्या ये हमारा शिफ रिएजेंट प्रिपरेशन है जो हम किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, इसमें आपको सेफ्टी क्या क्या रखनी है, इसमें सेफ्टी है फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, ग्लव्स वेयर करने हैं। ठीक है, गॉगल्स लगाने हैं एंड लैब कोट पहनना है। ठीक है, अवॉइड कॉन्टैक्ट एंड इन्हेलेशन, आपको कॉन्टैक्ट और इन्हेलेशन को अवॉइड करना है। ठीक है, क्योंकि जो सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं आप, उसको आपको इन्हेल नहीं करना है, उसके कॉन्टैक्ट में भी नहीं आना है। जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, ठीक है, ये क्या होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इरिटेंट होता है। ठीक है, जब आपके स्किन पे ये गिर जाता है तो बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन होती है आपको। ठीक है, सो आई जो है, आई को भी इफेक्ट करता है और आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी इफेक्ट करता है। ठीक है, तो जो टारगेट ऑर्गन्स होते हैं, बेसिकली स्किन होता है, रेस्पिरेटरी होता है, रिप्रोडक्टिव होता है और फीटल और सिस्टम्स होते हैं, तो ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा कोरेसिव होते हैं नेचर में। ठीक है, HCl काफ़ी ज़्यादा कोरेसिव है, आपको भी पता है, इसको अलग से जार में रखा जाता है और बहुत ही सेफ जगह पर रखा जाता है ताकि ये आपसे गिर ना जाए। अब बात करते हैं शिफ रिएजेंट की, तो जब आप शिफ रिएजेंट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली कॉजन होता है। ठीक है, ये बॉडी के लिए हार्मफुल है, जो बंदा काम कर रहा है लैब में काम कर रहा है उसके लिए हार्मफुल है। सो बेसिक फंक्शन इज नोन एज कार्सिजनोजन, इसको हम कार्सिजनोजन भी कहते हैं। कार्सिजनोजन क्या होता है, बहुत ही हाईली इफेक्टिव होता है। सो आप जब भी इसको प्रिपेयर करें, ग्लव्स पहने, गॉगल्स पहने, मास्क पहने, लैब कोट पहने, ठीक है, प्रिपेयर करने से पहले। एंड आप जब वर्क करते हैं, ठीक है, तो आपके कोई सीनियर वहाँ प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, अगर हम रिज़ल्ट की बात करें, तो जो ग्लूकागन फंगस होता है, वो आपका मैजेंटा कलर का दिखेगा। ठीक है, ग्लूकागन फंगस आपको मैजेंटा कलर का दिखेगा और न्यूक्लियस कैसे दिखेगी, ब्लू कलर की। इसका डायग्राम आप देख सकते हो, ये कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है, जब हम पास स्ट्रेन से इसको स्ट्रेन करते हैं तो ये हमें कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, मैजेंटा कलर जो है वो ग्लूकागन फंगस दिखेंगे और जो उसके न्यूक्लियाई होगी वो आपको ब्लू कलर की दिखेगी। तो ये इसका रिजल्ट है पास स्ट्रेन का, पीरियोडिक एसिड शिफ स्ट्रेन। तो बेसिकली क्या होता है, हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर जो बेसिकली टिश्यू सैंपल्स आते हैं या आपके जो बायोप्सी के सैंपल होते हैं, ठीक है, बायोप्सी के सैंपल जो कटिंग होती है आपका, आपने पढ़ा होगा कि जो ऑटोमेशन वगैरह हम करते हैं, एम्बेडिंग करते हैं, ऑटोमेशन करते हैं, तो
इसकी भी वीडियो बनी हुई है फ्रेंड्स, आप देख लीजिएगा किस तरीके से करते हैं ब्लॉक प्रिपरेशन करते हैं। तो जो ब्लॉक प्रिपरेशन के बाद क्या होता है कि आपकी ट्रिमिंग वगैरह होती है करने के बाद, जो आपका टिश्यू होता है ठीक है, जो स्लाइड्स आप बनाते हैं उस स्लाइड पे जो फोकस करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेन करके करते हैं, क्योंकि आपको क्या होता है कि आपको देखना होता है उसकी सेल्स देखनी होती है, मेम्ब्रेन्स देखनी होती है ठीक है। तो बेसिकली जो मेम्ब्रेन है, सेल्स की जो मेम्ब्रेन है वो देखने के लिए हम पास स्ट्रेन करते हैं। तो पास स्ट्रेन में क्या है कि आपको फोकस हो जाता है, इसमें आप देख सकते हो कि आपको पूरा प्रॉपरली तरीके से आपको माइक्रोस्कोप में दिखे ग्लूकागन फंगस किस कलर का दिखता है और उसकी न्यूक्लियस किस कलर की दिखती है, तो आप अंडर माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन कर सकते हैं। तो हमने फ्रेंड्स पास स्ट्रेन पढ़ा, पास स्ट्रेन के अंदर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा फ्रेंड्स। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स, को शेयर करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।